इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर शोएब जमई, जो कि प्रेसिडेंट है इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, वो जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब जमई, मेरे मुँह में शब्द। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू, इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कहते हैं कोरोना वायरस चीन में पैदा हुआ और भारत में आकर मुसलमान हुआ। यकीन नहीं होता कि किस कदर नफ़रत का एजेंडा मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है। जो मन में आए मुसलमान और तबलीगी जमात को लेकर बोला जा रहा है। बेलगाम शहर के कमिश्नर से भी हमारी अजीजाना गुजारिश यही है कि जो भी झूठी खबर फैला रहा है, इन पर फौरन कार्रवाई करें। यकीनन बेलगाम से दिल्ली मरकज़ को कुछ अफराद गए थे। जाहिर है तबलीगी जमात का पिछले 50-60 सालों से ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में ये काम जारी रहता है। दिन की दावत, यही इसका असल मकसद होता है। लिहाजा मीडिया के जरिए यह कहना कि दिल्ली मरकज़ के जरिए कोरोना जिहाद किया जा रहा है, यकीनन शर्मनाक है। बेलगाम शहर के अखबारों में भी इसी तरह की खबरें पढ़ने में मिल रही। जिन 40 लोगों की फहरिस्त हुकूमत की जानिब से और बेलगाम इंतजामिया की जानिब से दी गई है, इस समय तकरीबन 25 नाम तो गैर मुस्लिमों के हैं, पर अखबार और खबरों में बेलगाम का तबलीगी कनेक्शन दिखा रहे हैं निजामुद्दीन से। बेलगाम शहर से 100 अफराद तबलीगी मरकज जाकर आने की झूठी अफवाह भी फिरका परस्त अखबारों की जानिब से फैलाई जा रही है। कुछ ऐसे भी मैसेजेस सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं जिससे मजहबी तशद्दुद और नफरत फैल सके। इंतहाई अफसोसनाक है कि किस तरह एक समाज को किनारा करने की कोशिश कुछ फिरका परस्तों की जानिब से जारी है। दिल्ली जिनका भी सफर हुआ है, उन तमाम की फहरिस्त निकाल कर हुकूमत इनकी तफ्तीश कर रही है। जिन्होंने भी ट्रेन से या बस से या हवाई जहाज से सफर किया हो, इनकी फहरिस्त निकाल कर हुकूमत इनकी तफ्तीश कर रही है। अब तो तबलीगी जमात को तालिबानी जमात भी कहने से कोई गुरेज नहीं कर रहा, यानी कि जो मन में आए वो बकते जा रहे हैं और इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। इसका मतलब किस इंतहा की नफरत किसी समाज के बारे में फैलाने की साजिश इस मीडिया की जानिब से की जा रही है। जो लोग दिल्ली निजामुद्दीन मरकज़ गए थे, इनकी तादाद सिर्फ 6 है और इनका सफर तो 2 महीने पहले हुआ है, ऐसा सुनने में आ रहा है। टेस्ट भी निगेटिव पाए गए हैं। बेलगाम डीसी की जानिब से यह ऐलान भी किया गया है कि अब तक बेलगाम जिला में कोई पॉजिटिव पाया नहीं गया। वाकई अच्छी खबर है, पर जो आस्तीन के सांप छिपे हुए हैं, जो सिर्फ नफरत का डंक मारना जानते हैं, इन पर कार्रवाई की जरूरत है। जो झूठी खबर फैला रहे हैं, भले अखबार हो या सोशल मीडिया, आखिर किससे फरियाद करे कि नौबत आन पड़ी है। सोशल मीडिया पर कोरोना जिहाद के नाम से जो गलतफहमी फैलाकर एक समाज की बदनामी की जा रही है, क्या वाकई इस पर हुकूमत खामोशी इख्तियार करेगी? जब देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, हम सबको एक होकर इस लड़ाई को लड़ना है। ऐसे वक्त में हिंदू मुस्लिम का जहर इस इंतहा तक फैलाना देश को किस दिशा में ले जा सकता है? क्या बेलगाम पुलिस उन नफरत के सौदागरों पर कार्रवाई करेगी जो एक समाज का बायकॉट करने का ऐलान कर रही है? क्या छोटी छोटी बातों को फेसबुक के जरिए से पकड़ने वाले आज इंतजामिया खामोश क्यों है? हमारा सवाल यही है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी? और यह कह रहे हैं कि इसी समाज की जानिब से कोरोना फैल सकता है, इस समाज के किसी भी फर्द की जानिब से सब्जी फ्रूट या किसी तरह की चीज़ें ना खरीदे, क्योंकि यह कोरोना लगाना चाहते हैं। ऐसे समाज द्रोही और देश द्रोहियों पर हुकूमत जल्द से जल्द कार्रवाई करे और नफरत फैलाने से रोके, वरना कोरोना की जंग कहीं नफरत का जहर फैलाने की सबसे बड़ी वजह न बन जाए, जिसका हमेशा फिरका परस्त इंतजार करते रहते हैं। ये भी ऐसा लग रहा है जो नाकामी इनकी है वो दिल्ली से जो है निजामुद्दीन को शिफ्ट करने की जो कोशिश जो मीडिया के जानिब से की जा रही है, ये वाकई शर्मनाक है और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।